सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड को लेकर। हाल ही में कंपनी का आईपीओ आते हुए नजर आया था, 33 रुपये की प्राइस रेंज थी इसकी, और वहां से आप लोग देखोगे 43 तक स्टॉक हमें ऊपर में जाते हुए नजर आया था। लेकिन आप लोग देख, पिछले कुछ टाइम से जो स्टॉक है वो कंटिन्यूसली टूट रहा है भाई, ठीक है। अपना हाई लगाने के बाद आप लोग देखोगे स्टॉक अपने हाई से लगभग 11-12% के करीब जो है फिसल चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ये जो स्टॉक टूटा है 15% के करीब, 33 रुपये का इसका जो है भी आप लोग देखोगे जब ये ओपन हुआ, इसकी प्राइस रेंज थी आईपीओ की, उसके बाद स्टॉक में तेजी भी बहुत ठीक ठाक बनते हुए नजर आए, लेकिन अभी टाइम टूट रहा है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान इंट्राडे में आप लोग देखोगे, कल की बात है, 8% फिसल गया स्टॉक अचानक से। सुबह तो थोड़ी बहुत करेक्शन चल ही रही थी, लेकिन लास्ट में आते आते आप लोग देखोगे भी 1 बजे से पहले 12 और 1 बजे के बीच में स्टॉक में एक बड़ा फॉल आ गया, एकदम से टूटा ना स्टॉक। तो क्या कारण रहे हैं जानने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ भाई, इसके पीछे कल के दिन रिजल्ट आए थे, क्वार्टरली रिजल्ट आए थे ना कंपनी के, Q3 के नंबर डिस्क्लोज किए थे कंपनी ने। उसके बाद आप लोग देखोगे भी कंपनी के रिजल्ट आएंगे अभी आगे Q4 के, अप्रैल और मई में रिजल्ट चलते हैं, मार्च क्वार्टर के वो आएंगे। अभी कंपनी ने Q3 के रिजल्ट डिस्क्लोज किए हैं, तो रिजल्ट्स के चलते ही हमें ये फॉल देखने को मिला है भाई स्टॉक में, ठीक है। तो बहुत से भाई को लग रहा है कि स्टॉक अभी यहाँ से ये और टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझो भी, ये देखो गिरावट के पीछे एक्चुअली रीज़न क्या है, इसका जो आफ्टर Q3 जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो स्लाइड हुआ अभी 58% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जी हाँ 58% डिक्रीज हो गया है प्रॉफिट इसका, ये कारण रहा सबसे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट्स खराब आए हैं, उसी की वजह से जो स्टॉक है वो एकदम से टूटा है। तो मुनाफा और मार्जिन गिरे हैं, तो टूटना ही है अभी स्टॉक, तो टिकेगा तो नहीं स्टॉक इस लेवल पर। तो अब यहाँ से क्या आगे भी स्टॉक में गिरावट होगी या फिर नहीं, क्या स्टॉक में यहाँ पर जो ये गिरावट हुई है इसके अंदर खरीदारी का मौका है या फिर थोड़ा वेट करके स्टॉक को खरीदना सही रहेगा, चलिए जानते डिटेल में चार्ट्स के हिसाब से। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी 33 रुपये की इसकी रेंज थी ना, इसका जो बाउंड वीक लो आपको देखने में, यानी जो प्राइस बैंड था इसका वो 33 रुपये का था। तो 33 रुपये के ऊपर में अगर आपकी होल्डिंग है तो भाई देखो अब 33 का सपोर्ट मान के चलो अभी के टाइम, ठीक है, 33 का सपोर्ट मान के चलो, 33 के नीचे में अगर स्टॉक निकलता है तो 30 और 25 के बीच में इसके अंदर SIP करने का मौका होगा, जो फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं, 30 और 25 के बीच में SIP करने का मौका होगा। रिजल्ट्स खराब आने की वजह से थोड़ा बहुत स्टॉक के ऊपर थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर रहा है, जिसकी वजह से आप लोग आने वाले टाइम में जो पब्लिक शेयर होल्डर्स वो भी डर जाते हैं भाई, अभी आगे Q4 के रिजल्ट आएंगे वो भी अगर ऐसे आ गए तो स्टॉक तो 20 आने आते हैं फिर, तो ये मन में डर रहता है। इसलिए यहाँ पर परेशान नहीं होना है, जिस भी भाई की एंट्री हाई प्राइस से हो चुकी है स्टॉक के अंदर वो भी ना घबराए, जिनकी लोअर प्राइस से या फिर आप लोग देखो भी जिन्होंने गिरावट में खरीदारी की या IPO के दौरान उनको मिला है, वो कम से कम 1 साल के लिए इसको, जी हाँ 1 ईयर के लिए इसको होल्ड कर लो, ठीक है, 1 ईयर के लिए होल्ड करो। और स्टॉक जो ना भी आप लोग देखोगे ये प्रॉफिट में आएगा, कंपनी भी प्रॉफिट में आएगी, सब कुछ ठीक होगा, बट चलना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो स्मॉल कैप कंपनी है, यहाँ से लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट दे सकती है, 1 से 2 साल के लिए होल्ड करके चलिए, और कुछ भी नहीं है। तो इसके अलावा और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो भी, रिजल्ट खराब आए हैं ये कारण है गिरावट का और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसके अलावा कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।